उसके बाद रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वहीद मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर टू कहा गया था। मैं नंबर वन नंबर टू तो हूं नहीं, मैं तो रमजान आपके लिए शुरू किए थे, मुझे क्या जरूरत थी। मैं अपने रोजे अपने माँ बाप के साथ रखता जब जिंदा थे, या फिर अब बुशरा बच्चों के साथ रखते जब तक वो लोग थे, या फिर तूबा के साथ रखते जब तक वो थी। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आपकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी, आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है, आप मशवरे मत दें। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता, तकलीफ से करता है। मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा मत दें, जो रात रात में छोड़कर चली गई, सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं, मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा लूंगा। सब गुनाहगार है भाई, सब गुनाहगार है, सारे बंदे गुनाहगार हैं। मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा, मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें यसरनल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यसरनल कुरान जो तुम्हें पढ़ना आएगा, जब तुम्हें अलिफ अलिफ बा पा ता ये सब आएगा तुम्हें पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ मुझे आता है सिखाना, मुझे अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी हैं, जाके मुफ्ती अनीफ कुरैशी से पूछ ले, मुनीबुर रहमान साहब से पूछ ले, या फिर हो सके तो जाकर आप जनाब तारिक मसूद साहब से पूछ ले कि मैं कितना दीनदार आदमी हूं। मैंने कभी किसी के कपड़ों पर एतराज नहीं किया। मेरी बीवी ने हिजाब किया, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, लेकिन मेरी वजह से हिजाब किया उसने। मैंने माहौल उसको ऐसा दिया था कि जहां उसने हिजाब किया, उसके घर का ये माहौल नहीं था। आज वो हिजाब करती है, अल्लाह उसके हिजाब को सलामत रखे, वो सलामत रहे। मैंने अपनी दूसरी बीवी को इज्जत एहतराम दिया, वकार जी आज वो तरक्की कर रही है, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे। मैंने कभी जबर नहीं किया, अगर मैं जबर किया होता तो फिर तू भी हिजाब कर रही होती, मेरी बेटी दुआ भी हिजाब कर रही होती। जब मैं जबर करता ही नहीं तो मैं किसी को बांधूंगा कैसे। लेकिन आप लोगों ने एक झूठी वीडियो दिखाकर जिसमें अपने आपको खुद बांध रही है, क्या कोई बांधते वक्त अपनी वीडियो भी बनवाता है? आप लोगों ने मुझे कहा मैंने बांधा, उसने इल्जाम लगाए, आपने उन इल्जाम को प्रोवोक किया। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूं, एक्सप्रेस ने लिखा मैं एक बदकिरदार हूं। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शफीकुर रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंसू दिखाई नहीं थी। क्या जब वो अस्पताल में एडमिट नहीं, जब मैं पीटीआई में रहते हुए मैंने उनके लिए रिहाई की अपील की, इमरान खान के पास जाकर की मैंने कि मीर शफीकुर को छोड़ दो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है अपने पराए पराए बेगाने हो जाते। जो मैं इस वक्त रो रहा हूं ऐसी रोती भी कुछ इब्राहिम की वीडियोस थी, मैंने आज तक किसी के सामने लेकर नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे खुलकर जलील किया। जियो एक्सप्रेस और भी सारे मीडिया के जितने लोग, कुछ थे मेरे साफी लोग, मुझे फोन करते रहे कि मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, उसकी वजह है। वजह जब बनी, शुरू में तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आप कहेंगे कि मैं नशई हूं। नशई की जबान ऐसी नहीं होती। इधर शम्सु कुफ्फरत वैदल नजूम कुदरत वैदल जबाल सुजीरत वैदल जहार उत्तलत वैदल वहुश हुशरत वैदल बिहार सुजरत वैदल नफूज उजवजत वैदल मौजूदत सुजरत वे यदम भी कुतलत। ऐसे कुरान नहीं पढ़ता नशई, ऐसे कुरान नहीं पढ़ता। उसकी आंखें देखिए, आंखें आंखों में आपको नजर आएगा कि वो नशई है या नहीं। 22 साल मेरे पाकिस्तान में गुजरे, 22 साल। इससे पहले पाकिस्तान की कयाम में मेरे नाना ने किरदार अदा किया, जिन्होंने कायदे आजम को कायदे आजम का खिताब दिया। बहुत अच्छा सलूक किया आपने पाकिस्तान बनाने वालों के साथ और उनके खानदान के साथ। मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं रो रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं इस वक्त साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा हूं, क्योंकि बेशक मुझे उसी पर भरोसा है जिसके बारे में कहा गया कि मैं अपने आप को खुदा समझता हूं, या मैं खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो फिर किसको मानता है? मैंने ये इल्जाम भी सह लिया, जिसकी जबान पर हर वक्त हो सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला,
उसको कह जा रहे हैं कि जिसने 5 हज की हो उसको कहा जा रहे हैं खुदा को नहीं मानता। किसी ने गर्दन से पकड़कर उसको ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है कि वो खुदा को नहीं मानता। वो झूठ पे झूठ कहती रही, झूठ पे झूठ कहती रही। मैंने उस दिन के बाद से जब से वो गई है यहां से मैंने फोन तक नहीं, कह रही है मुझे धमकी देते हैं। मेरा घर ऐसा घर है 21 खुदादाद कॉलोनी कराची, मां भी मुलाजिम बैठे हुए, मैं उनसे 2 महीने से नहीं मिला। जाके पूछिए कि मेरे घर से कोई खाए बगैर वापस नहीं जाता। मैं चाहे जिन हालात में भी हूं मेरे घर से खाना खाए बगैर तो वापस नहीं जाता। लेकिन लोगों ने मुझे और खासतौर पर किसी खातून एंकर ने अब यूट्यूब पर मुझे टारगेट पर टारगेट करके रखा, रोज मेरे खिलाफ प्रोग्राम करती। किसी ने नहीं पूछा आपको मसला क्या, तकलीफ क्या उस आदमी के साथ। मैंने अगर रोज कभी किसी के खिलाफ प्रोग्राम किया तो वो भारत था, भारत। मैं न शराबी हूं न नशे हूं। हर इंसान जिंदगी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ उसकी एक निजी जिंदगी होती है, हालांकि हमारी कोई प्राइवेट जिंदगी नहीं है। ये 2 फरिश्ते हमारे साथ बैठे हैं। मेरा वसीम बदामी दोस्त से पूछ लीजिए, उसने मुझे कभी किस हालत में क्या सीखा। वसीम बदामी पे तो नाराज हुआ, इकरार हसन पे तो होगा, होगा या नहीं होगा। इकरार से पूछे मैं कैसा हूं, वसीम से पूछे इकरार की बीवी ऐनी और फरा से पूछे मैं कैसा हूं, फिजा शोएब से पूछे मैं, जो मेरे करीब के लोग हैं मैं उन्हीं का कह सकता हूं। अरे हामिद मीर से ही पूछने में कैसा हूं, आप किसी से पूछने में कैसा हूं। मैं हैरत है कि शकील रहमान को पता चला मैं ऐसा हूं। हालांकि शकील रहमान के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे बाप की जगह मेंटोर है मेरे और क्या बेटा मेरा अजीज है। शाहजीब खान ज्यादा क्या साहब मैंने बुरा किया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वो उसे पूछने में कैसा हूं। शाहजीब खान ज्यादा जो कि जिसके साथ मैंने बुराई की उसे पूछने में कैसा हूं, मेरे मुखालिफों से पूछने में कैसा, रऊफ क्लास से पूछने में कैसा, मुबशिर लुकमान से पूछने में कैसा, जैस्मीन मंजूर से पूछने में कैसा, और कितने नाम मैं आपको दूं। आसमा शिराजी से पूछ ले। लेकिन मेरा 5 दिन से आपने मेरी भरंगी का जो तूफान मचा रखा है, एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑडियोज लगाई, मैंने ऑडियोज अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझे ऑडियोज भेजी तो मैंने लगाई, मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। यार ये देखने से मौत क्यों आई। लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता, इस मुल्क में FIA नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियो रिमूव नहीं करता, कोई इन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवाल करते आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी नहीं थी। ये कोई सवाल है, ये कोई सहाफत है। जवाब में मैं घटिया इंसान होता कहता अपनी मां बहन को भी बता दो मर्दाना ताकत क्या है। मैं नहीं हूं, मैंने बचपन से नाते पढ़ी है, मेरा तारुफ नाथखां के है, मुझसे गलतियों की मैंने इमरान खान की मुखालफत की, जो सबके सब लोग मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मुझे पता है इनमें ज्यादातर लोग कितने पीटे हैं किसान। मैं तो उसकी किरदार खुशी बचा रहा था, मैं तो कह रहा था उसकी किरदार खुशी ना हो या उल्टा मेरी किरदार खुशी होगी। मैंने 54 बच्चों को उनके घर भेजा, मेरे 54 बच्चों को जो गुमशुदा थे, जो गुमशुदा थे मैंने उनको घर भिजवाया। मैंने गीता को इंडिया भिजवाया, मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए, मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग बंद कराया, खुशखबरी सिला पाकिस्तान मुझे ये मिला।
शायद इसलिए भी कि मैं वहां हाजिर हूं। कभी कभी सोचता हूं, लेकिन अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया।